स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था। एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था। आपको एटलीस्ट वन दिया होगा, आइदर और दिया होगा या और दिया होगा, तो हमको एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करना पड़ेगा। दो इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, तीन इवेंट्स है तो ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। उसके सब फॉर्मूलास अलग अलग हमने लिखे थे और एग्जांपल नंबर वन एंड एग्जांपल नंबर टू कंप्लीट किया था एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर। नाउ एग्जांपल नंबर थ्री, एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी में एग्जांपल थ्री, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर अ स्पेड और अ किंग। तो आइदर और आया, इसलिए यहां पे हमको एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करना पड़ेगा। नाइदर अ स्पेड नॉर अ किंग, नाइदर नॉर आया तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करेंगे, और इट इज किंग और एन एस बीच में और आया, इसका मतलब एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। तो आइदर और दिया हुआ है, नाइदर नॉर दिया हुआ है और दिया हुआ है, इसलिए इस सम के अंदर एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज होगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर थ्री, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस एस लिखेंगे हम। स्पेड का कार्ड होगा एस ए, एस टू अप टू एस टेन, देन एस जे, एस क्यू एंड एस के। क्लब का कार्ड होगा सी ए, सी टू अप टू सी टेन, क्लब का जैक, क्वीन और किंग। हार्ट ए टू डैश डैश टेन, हार्ट का जैक, क्वीन एंड किंग। और इसी तरह से डायमंड, डायमंड का एस टू अप टू डायमंड का टेन, देन डायमंड का जैक, क्वीन एंड किंग। इस तरह से मुझे 52 कार्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो 52 कार्ड्स यहाँ लिखेंगे हम, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज एन इक्वल टू 52 लिखेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है, इट इज आइदर अ स्पेड और अ किंग, आइदर अ स्पेड और अ किंग, आइदर और, तो और है जहां दिख रहा है मुझे, वहां से दो पार्ट बना देंगे, इवेंट ए इवेंट बी। और के पहले दिया है आपको स्पेड, और के बाद में दिया है अ किंग, तो इवेंट ए सबसे पहले लिखेंगे हम। इवेंट ए, अ कार्ड इज ऑफ अ स्पेड, कार्ड स्पेड का होगा। अब स्पेड के कार्ड्स कितने हैं, तो 13 कार्ड्स है स्पेड के, स्पेड का एस, स्पेड का टू, अप टू स्पेड का टेन, देन स्पेड का जैक, क्वीन एंड किंग। इस तरह से मुझे 13 कार्ड्स मिलेंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखना है, m is 13। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, m बाय n, m इज 13, n इज 52, आंसर 13/52। और के बाद वाला जो है उसको हम लिखेंगे इवेंट बी, तो इवेंट बी में क्या लिखना है, इवेंट बी और के बाद वाला, इट इज आइदर अ स्पेड और अ किंग, और अ किंग, तो और के बाद है अ किंग। अ कार्ड इज ऑफ अ किंग, किंग का कार्ड होगा, तो किंग के टोटल 4 कार्ड्स रहेंगे, कौन से 4 कार्ड्स, तो किंग एस के, सी के, यहाँ लिखना है एच के, गलती थी, एच के एंड डी के, सो एस के, सी के, एच के एंड डी के, तो 4 कार्ड्स हो गए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एम इज 4, m इक्वल टू 4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b m बाय m दैट इज 4 बाय
52. नाउ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या करेंगे, तो ए और बी के अंदर जो कॉमन आ रहा है उसको ए इंटरसेक्शन बी के अंदर लिखेंगे. आ रहा है तो लिखना है, नहीं आ रहा है तो फाइ लिख के आगे बढ़ना है. ठीक है, अब देखो ए और बी के बीच में कॉमन एस ए एस टू एस टेन एस जे एस क्यू एस के, यहाँ एस के सी के एच के डी के, इसका मतलब ये एस के एस के दोनों के अंदर कॉमन रहेगा तो एस के लिखना है. यहाँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज एम इक्वल टू वन मिलेगा. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज एम बाय एन, एम इज वन, एन इज 52, तो 1/52 मिला. अब अंदर जो दिया हुआ था वो टाइटल लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज ऑफ अ स्पेड ऑफ आइधर अ स्पेड और अ किंग, ऐसा दिया था, आइधर अ स्पेड और अ किंग, कार्ड स्पेड का होगा या फिर किंग का होगा, आइधर और आ व्यू, आइधर और आ रहा है तो आइधर और आएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे मिला था 13/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4/52 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/52. तो 13 + 4 = 17, 17 से 1 माइनस करेंगे 16/52 मिलेगा, और 4 से डिवाइड कर रहे हैं 4 × 4 = 16 एंड 13 × 4 = 52, 4 × 16 3 × 52, तो फाइनल आंसर आउसे 4/13. ठीक है, अब दूसरा पार्ट उसका, दूसरे पार्ट में क्या दिया है, नाइदर अ स्पेड नॉर अ किंग, नाइदर नॉर वाला आया, तो सेकंड नंबर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर अ स्पेड नॉर अ किंग. तो यहां पे आपको देखना है, यहां आइदर और अंडरलाइन करना था, यहां रहेगा अंडरलाइन नाइदर नॉर, तो नाइदर नॉर आए मतलब मुझे फाइंड करना पड़ेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करेंगे. सो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 4/13, तो इसका एलसीएम 13 हुआ, लसा 13 निकलू, 13 × 1 = 13, 13 - 4 करना पड़ेगा, सो 13 - 4 = 9, आंसर इज 9/13. नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या बोला है देखो, थर्ड पार्ट के अंदर आपको बोला है इट इज किंग और एन एस, किंग और एन एस, तो बीच में और दिख रहा है वहां से दो पार्ट बन जाएंगे. उसमें फर्स्ट पार्ट जो किंग वाला है वो हमने कैलकुलेट कर दिया है, ये रहा किंग, ये किंग वाला इवेंट बी है. ठीक है, तो अब मुझे इवेंट सी क्या लिखना है, इवेंट सी में लिखना है अ कार्ड इज ऑफ अ, देखो अंदर किंग और एन एस था, ऑफ एन एस, तो एस मतलब एक को बेटा, तो एस के कितने कार्ड्स होंगे, 4 कार्ड्स होंगे, कौन से 4 कार्ड, ये रहा एस ए सी ए एच ए एंड डी ए, तो यहां लिखेंगे हम एस ए सी ए एच ए एंड डी ए. तो यहां मुझे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मिल गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज एम इक्वल टू 4. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एम बाय एन, m is 4, n is 52, तो 4/52 लिखूंगा. ठीक है, अब मुझे फाइनली फाइंड करना था इट इज किंग और एन एस, तो किंग वाला b है, देख रहा है a card is of a king and a card is of an s, तो यहाँ किंग वाले कार्ड है एस के सी के एच के डी के, और यहाँ पे s वाले कार्ड है एस ए सी ए एच ए डी ए, इसका मतलब ऐसा हुआ कि b और c में कुछ कॉमन नहीं है, एस के सी के एच के डी के, और यहां दिख रहा है एस ए सी ए एच ए डी ए, ये दोनों के बीच में और दिख रहा है, तो सबसे पहले चेक करना है कुछ कॉमन है,
तो यहाँ एस के सी के एच के डी के और यहाँ एस ए सी ए एच ए डी ए, इसका मतलब सी और बी में कुछ कॉमन नहीं है, सी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव लिखेंगे। अब टाइटल डालेंगे प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज ऑफ, अ कार्ड इज ऑफ अ किंग और एन एस, किंग और एन एस, तो यहां पे बीच में और आ गया। किंग, किंग मतलब क्या लिखा था हमने, किंग मतलब इवेंट बी था, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यूनियन एन एस, तो एन एस मतलब सी, सो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, नहीं आएगा क्योंकि सी इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं आप, बी इंटरसेक्शन सी फाइव मिला है इसलिए पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी ऑनली, इतना ही फॉर्मूला रहेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था 4/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 4/52, तो आंसर मिला मुझे 52 एलसीएम निकला, तो 4+4 8 होगा, 8 को 4 से डिवाइड करो 2 मिला, 13 को 4 से डिवाइड करो 13 मिला, सॉरी 52 को 4 से डिवाइड करने से 13 मिलेगा, 4 2 जा 8 13 4 जा 52, 2 चौके 8 13 चौके 52, तो आंसर आउसे 2/13। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 3 मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है, आप लोग कर देना। इसके बाद वाला एग्जांपल है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम, एग्जांपल नंबर 4 कार्ड वाला ही एग्जांपल है, तो ये आप होमवर्क में करना। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 4 आप होमवर्क में करेंगे, पहले एग्जांपल वीडियो को पॉज करके एग्जांपल नंबर 3 कर दो। ठीक है, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। चलो एग्जांपल नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में कई बार पूछा है एमएस यूनिवर्सिटी में। अ नंबर इज रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 10 नेचुरल नंबर्स, पहले 10 नेचुरल नंबर्स है उसमें से एक नंबर सिलेक्ट कर रहे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 2 और 5, तो बीच में और दिख रहा है वहां अंडरलाइन करना है, और से दो पार्ट बनाएंगे इवेंट ए इवेंट बी, समझ गए। चलो देखो, a number is randomly selected, example 5, a number is randomly selected from first 10 natural numbers, पहले 10 natural numbers से एक नंबर सिलेक्ट करना है, पहले 10 नेचुरल नंबर से एक नंबर सिलेक्ट करना है, तो सैंपल स्पेस एस लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से मुझे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मिलेंगे 10, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स n is number of total possible outcomes, that is n, n आपको मिलेगा 10, ठीक है, n आपको मिलेगा 10। अब आपको क्या बोला है, what is the probability that it is multiple of 2 or 5, 2 or 5, तो multiple of 2 उसको event A लिखेंगे और multiple of 5 उसको event B लिखेंगे, तो दो पार्ट बना रहे हैं हम, event A, इट इज मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल एटले गुजराती में गुणक कहवाय, दो का मल्टीपल होना चाहिए, 2 1 जा 2 2 2 जा 3 2 3 जा 4 6 सॉरी, 2 4 2 3 6 ए प्रमाण है, राइट। तो यहाँ ए के अंदर हमको नंबर्स मिलेंगे 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 आउटकम्स, तो यहां लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज m इक्वल टू 5, m इक्वल टू कितना लिखेंगे 5,
अब m इक्वल टू 5, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ a m बाय n दैट इज 5/10, ये हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ a मिला। और के बाद वाला जो है उसको कहेंगे हम इवेंट b, तो इवेंट b लिखेंगे, इवेंट b इट इज मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 5, 5 नो गुणक होए मतलब के 5 1 5 एंड 5 2 10, दो नंबर्स मिलेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज m इक्वल टू 2, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b m by n इज 2/10। अब मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कौन सा, देखो अंदर प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 2 और 5, बीच में और आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करने से पहले हमेशा चेक करना है ए इंटरसेक्शन बी मिल रहा है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन कुछ दिख रहा है, 2, 4, 6, 8, 10 था ए के अंदर और बी के अंदर था 5 और 10, इसका मतलब 10 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हम लिखेंगे 10, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एम मुझे मिलेगा 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी एम बाय एन दैट इज 1/10। अब फाइनल आंसर क्या फाइंड करना था हमको, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 2 और 5, बीच में और आया, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी कैसे मिलेगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/10, 5 + 2 = -1 = 6, 6/10 दोनों तरफ से हाफ कर देंगे तो आंसर मिलेगा 3/5, इट इज फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमारा नंबर रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स वाला सम था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्ट आईएमपी देख लेना, समझ गए। चल नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 आप होमवर्क में करेंगे, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 2 और 3 व्हेन द डाई इज रोल्ड, डाई इज रोल्ड मतलब एक डाइस को रोल करना है, एक डाइस को रोल करने से सैंपल स्पेस एस क्या लिखेंगे आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखेंगे, यहाँ सैंपल स्पेस 1 to 10 था, इधर सैंपल स्पेस एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर सैंपल स्पेस क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दिया है मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3, तो इवेंट ए के अंदर हमको लिखना है मल्टीपल ऑफ 2, 2, 4, 6 और इवेंट बी के अंदर आपको लिखना है मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 और 6, दोनों में कॉमन 6 रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और फिर लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के फॉर्मूले में डाल देना है, यही फॉर्मूला। ठीक है, ये जो सम के अंदर था वही फॉर्मूला, तो एग्जांपल नंबर 6 आप होमवर्क में करेंगे, उसके अंदर सैंपल स्पेस एस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखना है। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 7, अ बैग कंटेंस 9 red, 7 white and 4 black balls, एग्जांपल नंबर 7, अ बैग कंटेंस 9 red, 7 white and 4 black balls. A ball is drawn from it. उसमें से एक बॉल लेना है मतलब। चल 9 red balls थे, उसका सैंपल स्पेस एस ऐसे मिलेगा, रेड मतलब रेड R1, R2 up to R9, then 7 white, W1, W2 up to W7 and
फोर ब्लैक बॉल बी वन बी टू अप टू बी फोर ब्लैक इज बी, ठीक है। तो यहां मुझे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स एन मिलेगा सबसे पहले, तो एन कितना मिलेगा, 9 प्लस 7 16 प्लस 4 20, 9 रेड 7 वाइट 4 ब्लैक 9 7 4, 9 ने 7 16 ने 4 20, तो एन लिखना है 20। आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल विल बी रेड और ब्लैक, रेड होगा या ब्लैक होगा, रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक, बीच में और आया इसलिए एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। उसमें पहले इवेंट ए लिखना है, इवेंट ए के अंदर लिखेंगे हम अ रेड बॉल, अ रेड बॉल, तो रेड बॉल कितने थे, 9 थे, तो ए के अंदर हम लिखेंगे आर वन आर टू अप टू आर 9, इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज एम, तो एम आपको मिलेगा 9, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एम बाय एन दैट इज 9 by 20। इवेंट बी और के बाद वाला देखना है, और के बाद आपको क्या दिया है देखो, रेड और ब्लैक, और के बाद ब्लैक दिया है, तो अब ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल के लिए हम लिखेंगे बी, उसके अंदर लिखना है बी वन बी टू अप टू बी फोर, है ना। तो यहां नंबर ऑफ फेवरेबल कितने मिटेंगे मिलेंगे आपको, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एम मिलेगा 4। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिला एम बाय एन दैट इज 4 by 20। नाउ यहां पे चेक करो, ये ए के अंदर आर वन से आर 9 है, बी के अंदर बी वन से बी 4 है, इसका मतलब दोनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमको 5 मिलेगा। तो यहां प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड और अ ब्लैक बॉल, तो रेड और अ ब्लैक बॉल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ए का वैल्यू था 9 by 20 प्लस 4 by 20, दोनों का टोटल करने से 13 by 20 मिलेगा। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट के अंदर क्या दिया है, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट, तो ब्लैक तो आपने कैलकुलेट करके रखा है देखो ब्लैक बॉल का, इसका मतलब व्हाइट वाला कैलकुलेट करना बाकी है। इवेंट सी लिखेंगे अ व्हाइट बॉल, अब व्हाइट बॉल कितने थे, तो व्हाइट बॉल थे 7, ये रहे व्हाइट बॉल थे 7, W1 से W7, सो W1 W2 अप टू W7, तो यहां मुझे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने मिलेंगे, तो 7 मिलेंगे, M is 7, so probability of C mila M by N that is 7 by 20। अब चेक करो यहां पे व्हाइट बॉल है और यहां पे ब्लैक बॉल है, तो ब्लैक और व्हाइट या व्हाइट और ब्लैक और व्हाइट बोला है, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक मतलब B1 से B4 और व्हाइट मतलब W1 से W7, तो यहां ये B वाला और यहां पे ये C वाला, ये दोनों के अंदर कुछ कॉमन मिलने वाला नहीं है, इसलिए लिखेंगे B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 5 और टाइटल डालेंगे प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लैक और अ व्हाइट बॉल, ब्लैक और अ व्हाइट बॉल, तो ब्लैक और व्हाइट बॉल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मतलब B एंड यूनियन C, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब कितना था, ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था 4, 4 by 20 प्लस 7 by 20, तो आंसर मिला मुझे 11 by 20। अब इसका थर्ड पार्ट में यहां बता देता हूं आपको, थर्ड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट में आपको क्या बोला है, नॉट रेड नहीं है। अब रेड नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, चलो नॉट रेड, रेड नहीं है मतलब व्हाइट है या ब्लैक है, नॉट रेड, तो यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल इज नॉट रेड, रेड नहीं है,
अच्छा रेड नहीं है इसका मतलब क्या करेंगे हम, ब्लैक है या और वाइट है, तो ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट, तो वो तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। देखो प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लैक और अ व्हाइट बॉल, तो ब्लैक और व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना मिला हमको, 11/20, तो यहाँ डायरेक्टली आंसर लिख देना है 11/20, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने इवेंट सी के अंदर, सॉरी इवेंट बी यूनियन सी के अंदर ब्लैक और व्हाइट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी। ठीक है, समझ गए। तो आज मैंने एग्जाम्पल नंबर कहाँ से शुरू किया था, थ्री, एग्जाम्पल नंबर थ्री से शुरू किया था। एग्जाम्पल नंबर फोर आपको होमवर्क में दिया है और यहां लिख रहा हूं होमवर्क, होमवर्क के अंदर आपको करना है एग्जाम्पल नंबर थ्री एंड एग्जाम्पल नंबर फोर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर थ्री तो हमने यहां पे किया, इसलिए एग्जाम्पल नंबर फोर एंड एग्जाम्पल नंबर सिक्स, दो सम्स आपको होमवर्क में करना है। एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का टाइटल है, एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी वाले टाइटल के अंदर होमवर्क में आपको करना है एग्जाम्पल नंबर फोर एंड एग्जाम्पल नंबर सिक्स। एग्जाम्पल नंबर सेवन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, इसका थोड़ा सॉल्यूशन यहाँ पे भी है, वो भी देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे, तब एग्जाम्पल नंबर एट से आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते बेटा, बाय एवरीवन।